नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर 10 उसका जो पार्ट सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? नवा क्लास है। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में अपने पास में ये जो यूनिट नंबर 10 का पार्ट सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सही है। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक विभवमापी के तार हैं जिसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। एक विभवमापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तथा इसके सिरों के बीच कोई नियत विभवांतर बनाए रखा गया है। दो सिरों को श्रेणी क्रम में पहले एक दूसरे की सहायता करते हुए और फिर एक दूसरे की विपरीत दिशा में संयोजित किया गया है। इन दोनों प्रकरणों में शून्य विक्षेप स्थिर ताप के धनात्मक सिरे से 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होते हैं। तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना है। सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2 का रेशियो जो है वो अपने को फाइंड करना है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वायर है उस वायर की लंबाई अपने पास में है 100 सेंटीमीटर, तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, इसके सिरे पर नियत विभवांतर बनाए रखा गया है, दो सेलों को श्रेणी क्रम में एक दूसरे की सहायता करते हुए। ये अपने पास में पहला सेल है, ये अपने पास में दूसरा सेल है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये सेल है E1, ये सेल अपने पास में है E2। सही है। दो सेलों को जोड़ा गया है, एक E1 है एक E2 है। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। सही है। फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में संयोजित किया गया है, फिर बाद में एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे। ये सेल पहला, इसको उल्टा कर दिया, नेगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये अपने पास में है E1, ये अपने पास में है E2। सही है। संयोजित किया गया है, इन दोनों प्रकरणों में शून्य विक्षेप धनात्मक सिरे से 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात होता है। सही है। तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, ये अपने पास में होगा E1 प्लस E2 बराबर होगा अपने पास में L1 के। सही है। E1 E2 बराबर होगा L1 अक्ष, एक्स अपने पास में तार की लंबाई दोनों के लिए सेम है। इधर अपने पास में ये होगा E1 माइनस, माइनस का चिन्ह, माइनस E2 बराबर, ये अपने पास में होगा L2 एक्स। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में विद्युत वाहक बल E1, ये प्लस E2 बराबर, पहले वाले के लिए लंबाई L1, L1 का मान कितना है पहले वाले के लिए, ये अपने पास में है 50 सेंटीमीटर, ये अपने पास में है 50, ये E1 माइनस E2 बराबर L2, L2 का मान कितना है दूसरे वाले के लिए, यह है 10 सेंटीमीटर, यह अपने पास में है 10 सेंटीमीटर। अब यहां से अपने को E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करना है। सही है। यह अपने पास में समीकरण नंबर 1, यह अपने पास में समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, देखना क्या होगा। समीकरण 1 क्या है, यह अपने पास में है E1 प्लस E2 बराबर है 50 के। इधर अपने पास में है ये E1 माइनस E2, ये बराबर अपने पास में किसके है 10 के। यहाँ से अपने पास में E1 और E2 का मान ज्ञात हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं, देखना क्या होगा। E2 से E2 कटे, E1 और E1 ये कितना होगा, ये होगा 2E1 बराबर, 50 और 10 कितना होगा 60। तो यहाँ से अपने पास में 2E1 बराबर है 60 के। तो यहाँ से E1 का मान कितना हो गया, E1 का मान हो गया अपने पास में 30, ये आ गया E1 का मान। अब E1 का मान उठा के रख देते हैं समीकरण 1 में, E2 का मान आ जाएगा। सही है। समीकरण 1 से समीकरण 1 में E1 का मान रखते हैं, E1 का मान रखेंगे 30, तो ये होगा 30 प्लस E2 बराबर 50। तो यहाँ से E2 कितना हो गया, 30 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 30 कितना होगा, ये होगा 20, ये हो गया E2 का मान। अपने को चाहिए E1 बटा E2, तो अपने पास में E1 बटा E2, E1 का मान तो कितना है 30, E2 का मान कितना है 20, कटेगा ये 10 से कटेगा 3 बार, ये 10 से कटेगा 2 बार। तो E1 और E2 का अनुपात होगा 3:2, 3:2 कौन से में, यह है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया गया है कि विभवमापी प्रयोग में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं एवं इनके तार पर संतुलित लंबाई 58 सेंटीमीटर है।
यदि सेल E2 की ध्रुवता बदल दी जाए तो संतुलित लंबाई 29 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो सेलों के लिए विद्युत वाहक गोलों का अनुपात याद कीजिए। इसी के जैसा क्वेश्चन अपने पास में ये है, सही है। देखना क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये अपने पास में दो सेल है, एक अपने पास में है E1, ये अपने पास में है E2। E1 E2 दो सेल है, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा गया, एक साथ जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके तार का संतुलित लंबाई कितनी है, 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना होगा, E1 प्लस E2 बराबर होगा 58, सही है। ये फॉर्मूला लग जाएगा, E1 प्लस E2 बराबर अपने पास में होगा L1 के, फॉर्मूला ये होगा L1x। अब क्या बोल रहा है, यदि E2 की ध्रुवता बदल दी जाए, E2 को चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब की बार E2 की ध्रुवता को चेंज कर दिया, इधर कर दिया नेगेटिव सिरा, इधर कर दिया पॉजिटिव सिरा, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ध्रुवता चेंज कर दी E2 की, ये E1 और E2। तो समीकरण क्या हो गया, ये हो गया E1 माइनस E2 बराबर L2x, सही है। L1 का मान पहले वाले के लिए दे रखा 58 सेंटीमीटर, दूसरे वाले के लिए दे रखा 29 सेंटीमीटर, उठा के रख देते हैं। यहाँ देखना, यहाँ से E1 प्लस E2 बराबर L1 का मान है 58, ये रहा 58। इधर अपने पास में E1 माइनस E2 बराबर L2 का मान कितना है, 29, ये है 29। ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। समीकरण एक और दो से E1 E2 का मान आ जाएगा, फिर उनका रेशियो फाइंड कर लेंगे, सही है। तो समीकरण एक प्लस दो से, समीकरण एक प्लस दो से, समीकरण एक प्लस दो से क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या होगा ये E1 प्लस E2 बराबर है 58 के, इधर है E1 माइनस E2 बराबर है 29 के, दोनों को जोड़ते हैं, E2 से E2 कटेगा, E1 प्लस E1 ये हो जाएगा 2E1 बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 8 17 का 7, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ से E1 का मान हो गया 87/2, ये हो गया E1 का मान। अब E1 का मान उठा के रख देते हैं समीकरण एक में, E2 का मान आ जाएगा, या समीकरण दो में रख देते हैं, सही है। देखना अपने पास में समीकरण एक से क्या होगा, E1 का मान है 87/2 माइनस E2 प्लस E2 बराबर 58, यहाँ से E2 का माना जाएगा, E2 बराबर इधर है 58, ये इस तरफ आएगा माइनस का होगा, माइनस का 87/2, तो यहाँ से E2 बराबर ये 2 लघुत्तम आएगा, 2 से गुणा करेंगे इसको, कितना होगा ये 2 × 16, 2 × 9 = 11, 116 - 87 कितना बचेगा, 116 में से जाएगा 87, ये बचेगा 29/2। E1 का मान तो ये है, E2 का मान ये है, रेशियो फाइंड करना, E1/E2 कितना होगा, E1 अनुपात E2, देखना इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कटेगा, ये कटेगा 29 से 29 से 87, तो ये हो जाएगा 3:1, सही है। E1 में भाग लगा दो E2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, 29 से कटेगा ये तीन बार कटेगा, तो 3:1 ये रहा तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि विभव मापी के तार की 125 सेंटीमीटर लंबाई पर डेनियल सेल संतुलित होता है। अब सेल को 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा लघुपतित किया जाता है तो संतुलित लंबाई 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, सही है। डेनियल सेल के लिए अपने पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, आंतरिक प्रतिरोध के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर, ये होता है L1 - L2/L2 इंटू अपने पास में होता है कैपिटल आर, ये होता है आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला। क्वेश्चन में अपने को L1 का मान दे रखा है, L1 लंबाई कितनी है, L1 का मान है 125 सेंटीमीटर, सही है। L2 क्या है, संतुलित लंबाई, L2 का मान है 100 सेंटीमीटर, L2 दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और अपने पास में प्रतिरोध का मान R का मान दे रखा है 2 ओम, उठा के रख देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा स्मॉल R, देखना यहाँ से अपने पास में स्मॉल R बराबर
L1 का मान है 125, माइनस L2 का मान है 100, बटा L2 का मान है 100, इंटू अपने पास में कैपिटल आर का मान है 2। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर 125 माइनस 100 कितना होगा, 25 बटा 100 गुणा अपने पास में 2। तो यहाँ से आर बराबर कितना होगा, 25 से कटेगा ये 1/4 बार, 25 चौका 100, 1/4 गुणा 2। यहाँ से स्मॉल आर बराबर ये घटेगा अपने पास में 2 से 2 बार, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से अपने पास में स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध 1/2 क्या ले सकते हैं, 0.5, 0.5 ओम। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 0.5, पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें दिया गया है एक सेल 100 सेंटीमीटर तथा 110 सेंटीमीटर विभवमापी के सापेक्ष 10 ओम प्रतिरोध से क्रमशः लघुपथ तथा बिना लघुपथ परिपथ में साम्य में होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान याद करना है, सही है। तो ऐसा कैसा क्वेश्चन अपने पास में ये है, देखना क्या होगा सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है लंबाई L1 का मान है 110 सेंटीमीटर, L2 का मान है 100 सेंटीमीटर, सही है। प्रतिरोध R का मान दे रखा है अपने को 10 ओम। आंतरिक प्रतिरोध याद करना है, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर क्या होता है, फॉर्मूला स्मॉल आर के लिए ये अपने पास में होता है L1 माइनस L2 बटा L2 गुणा अपने पास में 100 गुणा अपने पास में कैपिटल आर, ये होता है अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर L1 का मान 110 माइनस L2 का मान है 100, ये 100 बटा L2 का मान कितना 100, ये 100 गुणा R का मान कितना है, यह है 10 10। तो कितना हो जाएगा अपने पास में स्मॉल R बराबर 110 माइनस 100 कितना होगा, 10 बटा 100 गुणा ये अपने पास में 10। तो यहाँ से स्मॉल R बराबर 10 को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100 बटा 100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R बराबर 1 ओम। आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा 1 ओम। 1 ओम कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने को दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें दिया गया है कि 1 मीटर लंबाई के एक विभवमापी पर एक अज्ञात विद्युत वाहक बल वोल्टता स्रोत 60 सेमी पर संतुलित होता है, सही है। ये एक तो विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है और उसकी लंबाई की बात कर रहा है। तो अपने पास में विद्युत वाहक बल और लंबाई में क्या रिलेशन होता है, विद्युत वाहक बल E बराबर अपने पास में पहले वाले के लिए विद्युत वाहक बल E1 या अपने पास में होगा L1 अक्ष की, सही है। दूसरे वाले के लिए अपने पास में विद्युत वाहक बल E2, दूसरे वाले के लिए अपने पास में विद्युत वाहक बल E2 बराबर होगा इसकी लंबाई L2 ये अक्ष की, सही है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। क्वेश्चन में अपने को L1 का मान दे रखा है पहले वाले के लिए E1 अज्ञात विद्युत वाहक बल E1 का मान तो याद करना है, L1 का मान दे रखा है 60 सेंटीमीटर, L1 का मान है 60 सेंटीमीटर, सही है। जबकि तीन वोल्टेज की बैटरी विभव मापी की 45 सेंटीमीटर पर संतुलित होती है, यानी कि E2 का मान दे रखा है 3 वोल्ट और L2 इसके लिए कितनी लंबाई पर, 45 सेंटीमीटर की लंबाई पर, ये दे रखा है 45 सेंटीमीटर। अपने को E1 का मान याद करना है, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या होगा, ये होगा E1 बराबर L1 एक्स भाग E2 बराबर L2 एक्स, एक्स से एक्स कटेगा, ये बचेगा अपने पास में E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। अपने को चाहिए E1 का मान, तो ये E1 बटा E2 का मान ये रहा, ये है 3 3 बराबर L1 का मान है 60, L2 का मान है 45। तो यहाँ से E1 बराबर ये कटेगा 15 से 15 45, 15 चौका 60, 4/3, ये E1/3, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ से E1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, E1 बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। तो जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है उसका मान अपने पास में होगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये फॉर्मूला होगा अपने पास में विद्युत वाहक बल E और लंबाई L में संबंधी होता है,
ई वन बराबर होगा एल वन एक्स, ई टू बराबर होगा एल टू एक्स, समीकरण एक में दो का भाग लगा देंगे तो अपने पास में ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर छः, विभवमापी के तार का पदार्थ होता है, विभवमापी होता है उसका जो तार होता है वो अपने पास में किसका बना हुआ होता है, वो अपने पास में बना हुआ होता है मैग्नीज का, सही है। विभवमापी का जो तार होता है वो मैग्नीज का बना हुआ होता है, तो मैग्नीज कौन से ऑप्शन में, यह है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर सात, इसमें दिया गया है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है, एक आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है अपने पास में, वो अपने पास में होता है शून्य, शून्य कौन से ऑप्शन में है, यह है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। एक आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध अपने पास में शून्य होता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर आठ, विभवांतर के मापन में वोल्ट मीटर की तुलना में विभवमापी श्रेष्ठ है, क्यों, या फिर अपने पास में विद्युत वाहक बल के मापन के लिए विभवमापी श्रेष्ठ उपकरण माना जाता है, क्योंकि अपने पास में जो विभवमापी होता है, विभवमापी में अपने पास में क्या होता है, किसी भी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं होती है, सही है। कौन से ऑप्शन में है, विभव स्रोत में विभवमापी किसी भी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं करता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, विभवांतर के मापने के लिए वोल्ट मीटर के स्थान पर विभवमापी का प्रयोग करते हैं, सही है, क्योंकि जो विभवमापी होता है वो अपने पास में किसी भी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं करता है, इसमें धारा अपने पास में क्या होती है, जीरो होती है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास में हो जाएगा दो करेक्ट, सही है। ये दोनों अपने पास में थोड़ी के लिए क्वेश्चन है, इन दोनों को क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर नौ, इसमें अपने को दिया गया है किसी विभवमापी के तार की लंबाई 4 मीटर है, उसका प्रतिरोध 8 ओम है, इसमें श्रेणी क्रम में दो वोल्टेज विद्युत वाहक बल का एक संचायक सेल तथा एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है, अतः इस तार पर प्रति 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर विभव प्रवणता प्राप्त होती है, तो अपने को इसमें प्रतिरोधक R का मान याद करना है, सही है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे क्या कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में एक विभवमापी का तार है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, ये अपने पास में तार है, इस तार की लंबाई है 4 मीटर, सही है। इसका प्रतिरोध है, ये अपने पास में है 8 ओम, 8 ओम क्या है, इसका प्रतिरोध है। इसमें श्रेणी क्रम में दो वोल्टेज विद्युत वाहक बल का एक संचायक सेल और एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है, सही है। इसके साथ में जोड़ दिया ये दो वोल्टेज का विद्युत वाहक बल और एक जोड़ दिया इसके साथ में ये प्रतिरोध, सही है। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये प्रतिरोध हो गया R, सही है। आगे अपने पास में, अतः इस तार पर प्रति 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर विभव प्रवणता प्राप्त होती है। विभव प्रवणता का मान E बराबर अपने पास में कितना होता है, विभव प्रवणता क्या होता है, वी अपोन एल, ई बराबर होता है वी अपोन एल। तो यहाँ से ई का मान क्वेश्चन में गिवन है, ई अपने पास में है विभव प्रवणता, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर बराबर, ये V अपोन L, L अपने पास में इस तार की लंबाई कितनी है 4 मीटर, ये 4, यहाँ से अपने पास में V का माना जाएगा, देखना अपने पास में 1 मिलीवोल्ट, 1 मिलीवोल्ट होता है 10^-3 मीटर के बराबर, सही है। और सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10^-2 मीटर बराबर V बटा 4, 10^2 ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10^-1, +3, +2 और -3 तो बचेगा -1 बराबर, इधर अपने पास में V बटा 4, यहाँ से V का मान कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10^-1 से, ये बनेगा 0.4 वोल्ट, सही है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट अपने पास में A है, ये पॉइंट अपने पास में B है, A और B पर अपने पास में जो विभवांतर होगा V बराबर होगा 0.4 वोल्ट, सही है। ये A और B के बीच विभवांतर आ गया, अब देखना अपने पास में डायग्राम क्या बनेगा, ये डायग्राम अब की बार कैसा बनेगा, ये अपने पास में दो वोल्टेज का विद्युत वाहक बल, ये अपने पास में प्रतिरोध कैपिटल R अपने को याद करना है, इधर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये प्रतिरोध है इधर अपने पास में 8 ओम और A और B के मध्य V का मान ये रहा, यह है अपने पास में 0.4 वोल्ट, सही है। अपने को चाहिए R का मान, तो R बराबर क्या होगा, ये अपने पास में A और B के सिरों पर विभवांतर 0.4
बराबर अपने पास में क्या होगा, प्रतिरोध, ये अपने पास में है 8/9 टोटल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध क्या होगा 8+R, टोटल प्रतिरोध का मान होगा 8+R इनटू अपने पास में जो विद्युत वाहक बल सेल है उसका, ये अपने पास में होगा 2। सही है। ए और बी के सिरों पर विभवांतर वी बराबर 0.4 बराबर प्रतिरोध ए और बी के बीच कितना है, ये 8/ टोटल प्रतिरोध, टोटल अपने पास में 8+R/8+R इनटू ये अपने पास में विद्युत वाहक बल का मान 2, ये 2, यहाँ से आर का माना जाएगा, देखना अपने पास में 0.4 का लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4/10, 4/10 को लिख सकते हैं 2/5, 2/5 बराबर, इधर आर दूनी 16/8+R, तो यहाँ से देखना ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, ये अपने पास में बनेगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 16+2R बराबर 16×5=80 80 सही है। ये हो जाएगा 2×16 16+2R बराबर 80, तो यहाँ से कितना होगा 2R बराबर 80-16 ये होगा 64, तो यहाँ से R बराबर कितना होगा 64/2 ये होगा 32 के बराबर 32 ओम। 32 ओम कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, अपने पास में एग्जांपल नंबर 10 है, इसमें अपने को दिया गया है कि अज्ञात प्रतिरोध अक्ष को मालूम करने के लिए, यह है अज्ञात प्रतिरोध अक्ष, इसको मालूम करना है के लिए 10 ओम का मानक प्रतिरोध का उपयोग करके, ये 10 ओम का मानक प्रतिरोध है का उपयोग करके एक मीटर ब्रिज बनाया गया है, ये मीटर ब्रिज बना दिया, मीटर सेतु, टेपिंग कुंजी को 52 सेंटीमीटर पर रखने पर गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप बिंदु प्राप्त होता है, ये अपने पास में टेपिंग पॉइंट है, ये 52 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दे रखी है क्वेश्चन में, 52 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर 0 विक्षेप प्राप्त होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 52 है, टोटल कितनी होती है 100, ये 52 है तो ये कितनी बच गई, ये बच गई अपने पास में 48 सेंटीमीटर। सही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 होती है, 100 में से अगर ये 52 है तो ये हो गई 48। सही है। ए व बी के सिरों पर एंड कोऑर्डिनेट क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये लंबाई कितनी है 52, ये कितनी है 48, ए के सिरों पर, ए पर कितना है एंड करेक्शन, ये अपने पास में है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अपने पास में जो L1 होगा इसका मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 52+∆L1 बराबर, ये 52+ ए वाले सिरे पर कितना है 1 सेंटीमीटर, ये 52+1 बराबर होगा 53 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर L1 का मान। L2 बराबर कितना होगा अपने पास में, L2 बराबर ये 48 प्लस ∆L2, बी वाले सिरे पे कितना है, बी वाले सिरे पे अपने पास में है 2 सेंटीमीटर। सही है। एंड करेक्शन, ये अपने पास में होगा 48+∆L2 का मान, ये है 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। सही है। L1 का मान हो गया 53, L2 का मान हो गया 50। अपने को अक्ष का मान याद करना है, तो व्हाइटस्टोन सेतु के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये अपने पास में है मीटर सेतु, मीटर सेतु के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मीटर सेतु के लिए अपने पास में ये P/Q बराबर ये R/ ये अपने पास में S। सही है। तो यहाँ से P यानी अक्ष, अक्ष का मान अपने को याद करना है, Q अपने पास में ये रहा L1 का मान कितना है 53, यह है अपने पास में 53 बराबर R ये रहा, R का मान है 10 S यानी कि L2 का मान ये रहा 50, ये अपने पास में है 50, यहाँ से एक्स का माना देगा। सही है। 0 से 0 घटेगा, एक्स बराबर कितना होगा, ये 53 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 53/5, तो एक्स बराबर कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ये घटेगा 5 से 10 बार, 5×10 10.6 ओम, 10.6 ओम कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक्स का मान, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, ये अपने को 52 दे रखा है तो ये 48 है, अब ए और बी के सिरों पर दे रखा है इसने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इस वाले में एक जोड़ देंगे 52+1=53, बी वाले पे कितना है 2 सेंटीमीटर, 48 में 2 जोड़ देंगे 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा L1 का मान, ये हो जाएगा L2 का मान, तो P/Q बराबर R/S, P की जगह है X, Q की जगह अपने पास में है 53, ये 53
आर आर की जगह है 10, एस की जगह कितना है ये वाला 50, ये 50। यहाँ से एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे 10.6 ओम, जो ऑप्शन नंबर दो में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर दो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रतिरोध को बदलने से मीटर सेतु का संतुलित बिंदु 10 सेंटीमीटर बाई तरफ खिसक जाता है। सही है, जब प्रतिरोधों को चेंज कर दिया जाता है तो मीटर सेतु का जो संतुलित बिंदु है वो 10 सेंटीमीटर बाई तरफ खिसक जाता है। उनके श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध 1 किलो ओम है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का संयोजन का प्रतिरोध कितना है, वो अपने पास में है 1 किलो ओम। प्रतिरोध को बदलने से पहले बाई तरफ के खांचे का प्रतिरोध अपने को याद करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे अपन डायग्राम बना लेते हैं। सही है, तो इसमें दे रखा है कि प्रतिरोधों को बदलने से मीटर सेतु का संतुलित बिंदु 10 सेंटीमीटर बाई तरफ खिसक जाता है। उनके श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध 1 किलो ओम है। सही है, देखना अपने पास में, ये अपने पास में मीटर सेतु की बात कर रहा है, तो मीटर सेतु में अपने पास में मान लेते हैं ये प्रतिरोध है, एक अपने पास में ये प्रतिरोध है। सही है, प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन कितना दे रखा है, 1 किलो ओम दे रखा है। दोनों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन है वो 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब कितना हो गया, 1000 ओम। सही है, तो 1000 ओम के लिए अपने पास में मान लेते हैं इस वाले प्रतिरोध का मान है आर, इस वाले प्रतिरोध का मान है 1000 माइनस का आर ओम। ये अपने पास में है, इस प्रतिरोध का मान है आर ओम, इस वाले प्रतिरोध का मान है 1000 माइनस आर ओम। सही है, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, आर से आर कट जाएगा, बचेगा 1000 ओम या 1 किलो ओम। सही है, ये हो गया इनका श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध, हो गया 1 किलो ओम। सही है, अब अपने पास में मीटर सेतु है, तो मीटर सेतु के लिए अपने पास में ये तार की लंबाई, ये तार की लंबाई होगी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। सही है, तो अपने पास में मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, तो ये दूरी अपने पास में है अक्स, ये पूरी अपने पास में है 100 सेंटीमीटर। अगर ये 100 सेंटीमीटर है, ये अक्स है, तो ये कितनी होगी, ये होगी 100 माइनस अक्स सेंटीमीटर। सही है, इस तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 100 में से अगर ये अक्स है तो ये कितनी होगी, 100 माइनस अक्स। सही है, अब ये क्या बोल रहा है कि संतुलित बिंदु को 10 सेंटीमीटर बाई तरफ कसा दिया जाए। सही है, ये संतुलित बिंदु अक्ष पे, अगर संतुलित बिंदु को 10 सेंटीमीटर बाई तरफ किसका दिया जाए, तो जिसका दिया जाता है उसके श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध 1 किलो ओम है, तो बाएं तरफ के खांचे का प्रतिरोध याद करना है। बाएं तरफ का खांचा कौन सा, ये रहा, बाएं तरफ के खांचे का प्रतिरोध याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में, प्रतिरोध को बदलने से पहले बाएं तरफ के खांचे का प्रतिरोध याद करना है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में, स्थिति एक, पहली स्थिति में क्या दे रखा है, पहली स्थिति में अपने को दे रखा है कि ये प्रतिरोध है R, ये P बटा Q, R बटा S, वही टिस्टोन से तुसे। तो पहले अपने पास में ये प्रतिरोध है R बटा, ये वाली दूरी है X बराबर, R का मान है 1000 माइनस R बटा, S का मान कितना है, ये अपने पास में है 100 माइनस X। ये हो गया अपने पास में समीकरण नंबर एक। सही है, अब ये बोल रहा है कि इनके प्रतिरोधों को बदल दिया जाता है तो अपने पास में संतुलित बिंदु 10 सेमी बाई तरफ स्थापित हो जाता है। सही है, जब इनके प्रतिरोधों को चेंज कर दे, तो देखना क्या होगा स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड, जब इनके प्रतिरोध बदल दिए जाते हैं, यानी कि 1000 माइनस आर को इस तरफ और आर को इस तरफ कर दिया जाए, तो अपने पास में इसके संतुलित बिंदु है वो 10 सेंटीमीटर बाई और विस्थापित हो जाता है। ये संतुलित बिंदु होगा, ये 10 सेंटीमीटर उधर चला जाएगा बाई तरफ। तो देखना अपने पास में, पी का मान कितना होगा, इसको चेंज कर दिया, तो अब की बार ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये तो अपने पास में आ गया 1000 माइनस आर, और ये अपने पास में हो गया आर, ये दोनों चेंज हो गए। सही है, अब ये संतुलित बिंदु इधर पहुंच गया 10 सेंटीमीटर, तो अक्ष में से 10 कम हो गया, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये हो गई अक्ष माइनस 10, अक्ष में से 10 कम हो गया और इस 100 माइनस अक्ष में 10 जुड़ गया। सही है, तो 100 माइनस अक्ष में 10 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110 माइनस अक्ष। ये हो गया समीकरण नंबर दो। हो गया क्या अपने पास में, स्थिति एक में देखना, दोबारा देखना इसको, ये अपने पास में दे रखा है कि दो प्रतिरोध है
उनका अपने पास में श्रेणी क्रम संयोजन है वो 1 किलो ओम है। तो मान लेते हैं ये प्रतिरोध आर है, ये है 100 माइनस आर, दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1000 ओम होगा, ये होगा 1000 ओम, 1 किलो ओम। अब मान लेते हैं संतुलित बिंदु इसका अक्ष पे है, अगर ये अक्ष है ये पूरी 100 है तो ये 100 माइनस 100 होगी, सही है। अब ये बोल रहा है कि इनके प्रतिरोध बदल दिए जाए, प्रतिरोध बदल दिया, ये समीकरण एक स्थिति एक हुई। अब प्रतिरोधों को चेंज कर दिया, इस वाले को इधर इस वाले को इधर, प्रतिरोध को चेंज कर दिया तो यह संतुलित बिंदु 10 सेंटीमीटर बाईं तरफ खिसक गया, यानी कि अक्ष में से 10 कम हो गया, सही है। और ये इधर खिसक गया तो इसमें 10 जुड़ गया, इसमें 10 जुड़ गया, तो 100 माइनस अक्ष, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 110 माइनस अक्ष हो जाएगा, सही है। ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया समीकरण दो। अब ये बोल रहा है कि प्रतिरोध को बदलने से पहले, प्रतिरोध को बदलने से पहले कौन सी स्थिति है, पहली स्थिति। प्रतिरोध को बदलने से पहले पहली स्थिति में बाईं तरफ के खांचे का प्रतिरोध, तो बाईं तरफ के खांचे का प्रतिरोध ये रहा आर, आर का मान याद करना है, सही है। तो समीकरण एक और समीकरण दो को सोल्व करके आर का मान निकाल सकते हैं, देखना अपने पास में क्या होगा। समीकरण एक व दो को गुणा करने पर, एक और दो को गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर देखना क्या होगा, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इधर इससे गुणा कर देते हैं, सही है। तो देखना आर बटा एक्स, इसको गुणा कर दिया इससे, 1000 माइनस आर बटा एक्स माइनस 10, इधर अपने पास में इस वाले को गुणा कर दिया इससे, ये हो गया अपने पास में 1000 माइनस आर बटा 100 माइनस एक्स, इसको गुणा करवा दिया आर अपॉन 110 माइनस एक्स। अब यहां से आर का मान याद कर सकते हैं, देखना इधर अपने पास में आर इधर है, आर इधर है, कट गया, सही है। तो यहां से देखना अपने पास में क्या होगा, 100 माइनस आर, ये अपने पास में 1000 माइनस आर और ये 1000 माइनस आर इधर है, दोनों कट जाएगा, आर से तो आर कटेगा, 1000 माइनस आर से 1000 माइनस आर कटेगा, ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये अक्ष इधर मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सही है। तो अक्ष इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने पास में होगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस ये माइनस का 10 अक्ष, इधर ये बच गया बराबर, इधर क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना अपने पास में 1/100 को गुणा करेंगे 110 से तो ये अपने पास में हो जाएगा 110, ये 20 माइनस, इस 100 को गुणा करेंगे एक्स से तो ये हो जाएगा अपने पास में 100 एक्स, एक्स को गुणा करेंगे 110 से तो ये माइनस का हो जाएगा 110, ये माइनस माइनस प्लस का ये एक्स स्क्वायर, ये बढ़ गया अपने पास में, ये होगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, देखना अपने पास में क्या होगा, इसको सोल्व करने पे ये अपने पास में है 1/x, ये अपने पास में है 1/11000 माइनस 100x माइनस का 110x प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको अपने से लिख सकते हैं, देखना इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बराबर, इधर अपने पास में ये 11000 माइनस, ये अपने पास में 100x माइनस, ये 110x प्लस ये अपने पास में एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा कर देंगे तो अपने पास में ये बन जाएगा। अब यहाँ से अपन अक्ष का मान याद कर लेंगे, पहले अक्ष का मान देखना क्या होगा, इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, सही है। इधर बचेगा अपने पास में माइनस का 10x बराबर, इधर अपने पास में 11000, ये अपने पास में 11000 माइनस 100x माइनस का 110x, ये हो जाएगा 210x। अपने को अक्ष का मान चाहिए, पहले इस 200 को इस तरह भेजते हैं, प्लस का हो जाएगा 210 को, ये 210x प्लस का, ये माइनस का 10x बराबर, इधर अपने पास में है 11000, 210 में से जाएगा 10 तो ये बचेगा 200x बराबर, अपने पास में बच गया 1100 11000, तो x बराबर 20 से 20 कटेंगे, 2 का भागा लगाएंगे 110 में तो ये अपने पास में कटेगा 55 बार, x का मान आ गया 55, x का मान कितना आ गया 55 आ गया। अब अपने को ये पूछ रहा है कि बाएं खांचे का प्रतिरोध यानी r का मान पूछ रहा है, तो x का मान उठा के समीकरण एक या दो की सीमा में रख देंगे तो अपने पास में r का मान आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से देखना x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x का मान समीकरण एक में रखते हैं तो देखना क्या होगा, ये अपने पास में है r बटा x, x का मान कितना है, ये रहा 55, ये है 55 बराबर, इधर अपने पास में है 1000 माइनस आर अपॉन 100 माइनस एक्स,
ये अपने पास में 100 माइनस एक्स, एक्स का मान है 55, इसको सोल्व कर लेके आर का मान निकाल लेते हैं। देखना क्या होगा, ये होगा आर बटा 55, इधर अपने पास में 1000 माइनस आर बटा 100 माइनस 55 45 सही है। अब आर का मान चाहिए, देखना क्या होगा, ये कटेगा इधर अपने पास में कटेगा 5 से 11 बार, 5 से 9 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास में आर बटा, ये कटेगा 11 बार 5 से, ये अपने पास में 100 1000 माइनस का आर बटा 5 नाम 45 9 बार कटेगा, ये 5 नाम 45 या 5 से कटेगा 11 बार, 11 को इधर गुणा करेंगे 9 को इधर गुणा करेंगे, देखना क्या होगा, 9 को इधर गुणा करने पर हो जाएगा 9R बराबर, 11 को इधर गुणा करेंगे तो 11 को करेंगे 1000 से गुणा, ये हो जाएगा 11000 माइनस 11 को करेंगे 8 से गुणा, ये हो जाएगा 11R, 11R इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20R बराबर, इधर अपने पास में यह है 11000, तो R बराबर कितना होगा, 0 से 0 कटेगा, ये बचेगा 1100 बट्टा 2, तो R का मान कितना हो गया, ये 2 से कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 550 बार, 550 ओम, तो जो बाएं खांचे का प्रतिरोध होगा प्रारंभिक स्थिति में, जो बाएं खांचे का प्रतिरोध होगा R, उसका मान होगा 550 ओम, 550 ओम कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इसको नोट करो, फिर अपने पास में जो अगली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, उसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें दिया गया है कि दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध S है तथा पार्श्व क्रम संयोजन करने पर कुल प्रतिरोध का मान P है, यदि S बराबर NP के है तो N का संभावित न्यूनतम मान क्या होगा, सही है, N का जो संभावित न्यूनतम मान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में दो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में संयोजित है, जैसे एक प्रतिरोध ये है, ये मान लेते हैं R1, एक प्रतिरोध ये है, ये अपने पास में है R2, श्रेणी क्रम में संयोजित है, सही है, इनका तुल्य प्रतिरोध दे रखा है S, सही है, A और B का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना होता है, ये अपने पास में होता है R बराबर R1 प्लस R2, सही है। अब ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है S के, ये बराबर किसके है, ये बराबर है S के, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, सही है। अब बोल रहा है तथा पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर कुल तुल्य प्रतिरोध P है, इनको पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं यानी समांतर क्रम में, ये R1 ये R2, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ से 1/R बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा R1 R2, R1 से R1 कटेगा ये बचेगा R2 प्लस R2 से R2 कटेगा ये बचेगा R1, तो यहाँ से R का मान कितना हो गया, R का मान हो गया R1 R2 upon R1 plus R2, सही है। अब ये अपने पास में होगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है P के बराबर, ये बराबर अपने पास में किसके हैं, ये अपने पास में है P के बराबर, सही है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, सही है, श्रेणी क्रम संयोजन है ये S के बराबर है, ये समांतर क्रम संयोजन है ये P के बराबर है, सही है। अब बोल रहा है कि S बराबर NP के है, S बराबर है NP, तो देखना अपने पास में केस S बराबर NP, क्वेश्चन में गिवन है S का मान, S का मान ये रहा R1 प्लस R2, रख देते हैं उठा के समीकरण 1 से R1 प्लस R2, इधर ये अपने पास में है N, P का मान ये रहा अपने पास में R1 R2 upon R1 plus R2, P का मान कितना है, यह है R1 R2 upon R1 plus R2। अब यहाँ से अपने को जो N का संभावित न्यूनतम मान याद करना है कि N का न्यूनतम कम से कम कितना मान हो सकता है, तो देखना है इसको सोल्व करते हैं, ये R1 plus R2 इस तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा R1 plus R2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये N R1 R2 इस तरफ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर अपने पास में N R1 और R2, सही है। अब N का मान याद करना है, तो देखना N का मान कैसे याद करेंगे, इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन a² + 2ab + b² ऐसे लिख सकते हैं इसको, इधर अपने पास में है N बराबर R1 और R2, यह है अपने पास में, अपने को N का मान याद करना है। अगर अपन क्या करते हैं इस वाले में,
इसमें अपन क्या करते हैं, प्लस का 2 आर वन आर टू जोड़ते हैं और माइनस करते हैं 2 आर वन आर टू, तो ये क्या बन जाएगा देखना अपने पास में, ये से बन जाएगा अपने पास में आर वन स्क्वायर, ये अपने पास में आर वन या आर वन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आर टू का स्क्वायर, इसमें जोड़ते हैं 2 आर वन आर टू और माइनस करते हैं 2 आर वन आर टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं आर वन का आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, सही है। एक दो और इन तीनों को मिला के आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर माइनस का 2 आर वन आर टू, इसको एक साथ लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, ये अपने पास में बी स्क्वायर, सही है। क्या बच गया आगे, प्लस का 2 आर वन टू और 2 आर वन आर टू, ये हो गया 4 आर वन आर टू, ये बच गया बराबर है। इधर एन आर वन आर टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, सही है। इस वाले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें 2 आर वन आर टू जोड़ दिया, 2 आर वन आर टू उठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखना एक दो और तीनों टर्म को मिला के बन गया आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, इसके अलावा बच गया अपने पास में 2 आर वन आर टू और 2 आर वन आर टू, ये हो गया 4 आर वन आर टू। अब यहाँ से अपने को एन का मान याद करना है, तो देखना एन बराबर कितना होगा, आर वन आर टू को इसके बटाए भेज देते हैं, तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास में आर वन माइनस का आर टू का स्क्वायर, इसके बटा में आर वन आर टू प्लस, इसके बटा में जाएगा आर वन आर टू, तो ये हो जाएगा 4 आर वन आर टू अपोन आर वन आर टू, सही है, दोनों के बटा में चला जाएगा। इधर आर वन आर टू से आर वन आर टू कटेगा, तो एन बराबर कितना बचेगा, एन बराबर बचेगा इधर तो बचेगा 4 प्लस, इधर बचेगा आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर अपोन आर वन आर टू, ये बचेगा अपने पास में, सही है। तो यहाँ से एन का मान कितना होगा, एन का संभावित मान, अगर आर वन का मान भी एक है आर टू का मान भी एक है तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा न्यूनतम संभावित मान। अगर आर वन का मान भी प्रतिरोध आर वन है, इसका मान एक हो और आर टू का मान भी एक हो, तो अपने पास में एक माइनस एक 0, अगर ये एक न्यूनतम इनके मान एक एक है तो भी ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म अगर 0 हो जाएगा तो अपने पास में क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। तो एन का मान कम से कम 4 तो गए होगा, कम से कम कितना होगा 4 तो गए होगा, एन का न्यूनतम मान कितना होगा, कम से कम 4 तो गए होगा। अगर प्रतिरोध अपने पास में एक एक ओम भी है तो इसमें से कटेगा, तो ये तो 0 जाएगा पूरा, सही है। अगर प्रतिरोध का मान 1/2 1/2 है तो भी ये इसे कट जाएगा, सही है। तो न्यूनतम मान कम से कम, अगर ये 0 हो गया तो कम से कम एन का मान 4 बचेगा, ये न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो एन का न्यूनतम मान कितना होगा, ये कम से कम 4 तो गए होगा, सही है, 4 से कम तो नहीं होगा। इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कितना भी आ सकता है। अगर 0 आ गया तो 4, अगर 1 आ गया तो 5, ये न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम तो 4 तो हो गई होगा, तो एन का मान संभावित कितना होगा, न्यूनतम मान 4 होगा, सही है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो।